अस्सलाम वालेकुम। अगर बॉडी के अंदर थकन बनी रहती हो, सुस्ती बनी रहती हो, आप सुबह सुबह सोए उठे तो आपके जिस्म के अंदर दर्द बनी रहती हो, थोड़ा सा काम करने से आपकी बॉडी थक जाती थोड़ा हो, सा चलने से, काम काज करने से सांस फूलना शुरू हो जाता हो, जिस्म के अंदर हर टाइम वीकनेस बनी रहती हो, बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो, प्रोटीन की कमी हो, मिनरल्स की कमी हो, एचबी लेवल लो, हीमोग्लोबिन कम मिल रहा है, किसी पेशेंट के अंदर हाँ पाँव सुन्न होते हो या फिर किसी बीमारी के अंदर आप मुबतला हैं, उसकी वजह से बॉडी के अंदर वीकनेस हो गई जिसम है, बहुत ज्यादा सुस्त रहता है, कोई काम काज करने को दिल नहीं करता, थोड़ा सा अगर आप काम कर लेते हैं तो उसकी वजह से जिस्म बिल्कुल थक जाता है, काम करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, हमेशा जिस्म के अंदर दर्द बनी रहती है, थकन बनी रहती है। तो होम्योपैथी की दो टॉप मेडिसिन आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। वैसे तो होम्योपैथी की वीकनेस के लिए बहुत सारी मेडिसिन है, मगर ये दो टॉप होम्योपैथी की मेडिसिन है, इनके बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मैंने अपने क्लिनिक पे आने वाले बेशुमार मरीजों को इन दो मेडिसिन का यूज करवाया और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले, पेशेंट 100% रिकवर हुए। अगर किसी फीमेल के अंदर एचबी लेवल कम है, उसकी बॉडी के अंदर आयरन कम है, उसकी हड्डियों के अंदर हमेशा दर्द रहती है, बोन्स के अंदर दर्द हमेशा बनी रहती है, कमर के अंदर वीकनेस की वजह से अगर दर्द बनी रहती है, वीकनेस की वजह से अगर चक्कर आते रहते हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, आंखों के सामने धुंधलापन आ जाता है, किसी बीमारी में लंबा अरसा मुबतला रहे या बीमारी के अंदर मुबतला है तो बीमारी की वजह से आपके अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई है, तो इन दो मेडिसिन में से किसी एक का इंतखाब करके आप अपनी लाइफ में शामिल करें, इसे यूज करें, इंशाल्लाह ये मेडिसिन आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देंगी। पहले नंबर पे जो मेडिसिन है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा का मदर टिंक्चर लें, 2 घूंट नीम गर्म पानी के लें, बेहतरीन रिजल्ट हासिल करने के लिए लिक्विड या श्वाबे की यूज करें। 20 कतरे सुबह, दोपहर, शाम 2 घूंट नीम गर्म पानी के अंदर डाल के तकरीबन 2 से 3 माह रेगुलर इसे यूज दो करें। तीन 3 माह इसे यूज करने के बाद अपनी लाइफ के अंदर शामिल कर लें, वक्तन फक्तन इसका इस्तेमाल करते रहा करें, आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस नहीं आएगी, थकन नहीं आएगी। इसके अलावा ये मेडिसिन बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है, आपको आपको वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दीगर बीमारियों से बचाने में आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होगी। ये मेडिसिन बेहतरीन एंटी एजिंग खसूसियत भी रखती है, वक्त से पहले बुढ़ापा आने की इलामत को खत्म करेगी, आपको हेयर लॉस, हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम से बचाएगी, आपकी आंखों की चमक, चेहरे की चमक बरकरार रखेगी। दूसरे नंबर पर जो होम्योपैथी की टॉप मेडिसिन है वीकनेस के लिए वो है जिनसेंग। जिनसेंग बहुत ही ज्यादा होम्योपैथी की पॉपुलर और इफेक्टिव मेडिसिन है, वीकनेस के लिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसका भी आप मदर टिंक्चर लें, 20 कतरे सुबह, दोपहर, शाम 2 घूंट नीम गर्म पानी के अंदर डाल के 3 मंथ रेगुलर आप इसे यूज करें, बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बहुत ही अजमुदा मेडिसिन है। मैं अपने क्लिनिक पे आने वाले हजारों मरीजों को इन दो मेडिसिन का यूज करवा चुका हूं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर चुका इन हूं। मेडिसिन के इस्तेमाल करवाने से पेशेंट बड़ी तेजी से रिकवर हुए हैं, उनकी वीकनेस की प्रॉब्लम सोल्व हुई है। आप इन दो मेडिसिन को बतौर कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, दोनों मेडिसिन को इकट्ठे भी यूज कर सकते हैं, 2 घूंट नीम गर्म पानी के अंदर डाल के दोनों मेडिसिन के 10-10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम आपने इसका मदर टिंक्चर ही यूज करना है। बेहतरीन रिजल्ट हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट या श्वाबे का यूज करना है, बड़े जबरदस्त आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, एचबी लेवल भी रफ्तार रफ्तार गेन होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी पेशेंट के मसल्स के अंदर थकान, सुस्ती, बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है, ये प्रॉब्लम भी सोल्व होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, कोर्टिसोल हार्मोन, अगर उसके ड्रॉप होने की वजह से बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम पैदा हुई है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पेशेंट हर टाइम स्ट्रेस में रहता है, पेशेंट के मसल्स थके रहते हैं, तो उसके लिए भी ये दोनों मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव और जबरदस्त मेडिसिन है, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन रिजल्ट देंगे। इसे इसीलिए लेके आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, या आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं तो इसे अपने पेशेंट को जरूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, होम्योपैथी की रियल इमेज को पब्लिक करने में मेरा साथ दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन घंटी के बटन को प्रेस कर लें। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपके माइंड में इन दो मेडिसिन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। वक्त ने साथ दिया तो इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। अल्लाह हाफिज।